करीबन 40 साल के पहले अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज के साथ सौराष्ट्र की विहार यात्रा पे थे। गुजरी जाने का तो मेरा काम था ही, मगर एक बार गुरुदेव से थोड़ा मैं पीछे रह गया। रास्ता कच्चा था, गांव कहाँ था वो पता नहीं था, और मेरे साथ एक गांव का आदमी हो गया जो किसान था। मैंने उनको पूछा, भाई इस गांव को जाना है कितना दूर है? वो टाइम माइलस्टोन भी नहीं था, और उसने बता दिया बस ये दो ही खेत क्रॉस कर दो महाराज साहब और गांव आ जाएगा। चलता रहा, दो तीन चार खेत निकल जाने के बाद भी जब गांव का कोई मकान भी नहीं दिखाई पड़ा, तब फिर से वो आदमी मेरे साथ ही था। मैंने उन्हें पूछा, भाई गांव कब आएगा? बस आप दो ही खेत क्रॉस कर दो और गांव आ जाएगा। ऐसे दो दो करते 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 करीबन 20 खेत क्रॉस कर दिया, तब तक कहीं ना गांव दिखाई पड़ा ना गांव का कोई मकान दिखाई पड़ा। फिर मेरी भी धीरज थोड़ी कम हो गई, और मैंने उसी टाइम उस किसान का हाथ पकड़ लिया। कमाल की बात तो वो थी, दो दो खेत बताने वाला वो मेरे साथ ही चल रहा था। उनको डर भी नहीं था कि कल महाराज से पूछेंगे कि तू क्या बेवकूफ़ बना रहा है, वो साथ ही चलता था। और जब 20 खेत क्रॉस करने के बाद मैंने उनको पूछा, भाई सही बता देने कि गांव कब आएगा? तब उसने बता दिया अब दो ही खेत। अभी मैंने बोला दो दो खेत करते तो 20 खेत तू लेके आया, सीधा बता देने कि कितना है। पहली बार जिंदगी का बहुत बड़ा बोध पाठ इस किसान ने दे दिया, मेरा हाथ पकड़ लिया, और हाथ पकड़ने के बाद उसने वो ही कहा, महाराज साहब एक बात समझ लो, मैं दो दो खेत की बात करता हूँ, अब 20 खेत चल चुके, और भी मैं दो खेत की बात करता हूँ, आप मेरे पे गर्म हो गए, मगर एक बात मैं बताना चाहता हूँ, गांव पूछने से नहीं आता है, चलने से ही आता है, चलना ही तो पड़ेगा आपको, चाहे दो खेत हो 12 खेत हो। जिंदगी का बहुत बड़ा बोधपाठ उसने बता दिया, गांव पूछने से नहीं आता है, चलने से आता है। आज नौपत की उली का अंतिम दिन, और अंतिम दिन में है तब धर्म की प्रतिष्ठा। अनंत काल से शरीर हमारे साथ है, शरीर को टिकाने के लिए भोजन हमने अनंत काल से किया है। माने कपड़े से मेरी दोस्ती इतनी नहीं है, परिवार से मेरी दोस्ती इतनी नहीं है, संपत्ति से मेरी दोस्ती इतनी नहीं है, मित्रों से भी मेरी दोस्ती इतनी नहीं है, जितनी दोस्ती मेरे शरीर के साथ है और शरीर को टिकाने वाले खुराक के साथ है। इसलिए कभी कभी दान करना आसान हो जाता है, क्योंकि संपत्ति का त्याग करना पड़ता है, मगर ये तब करना कभी कभी टफ इसलिए होता है कि वहाँ शरीर के साथ नाता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, तब जब भी हमें आंखों के सामने आता है तब सीधा अहिंबिल एकासना ब्यासना ही आता है, मगर भगवान ने 12 प्रकार के तप बताए, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर। नवपद के 9 दिन हमने जी श्रीपाल और मैणा को केंद्र में रखकर के बात की, या तो नवपद के साथ श्रीपाल और मैणा जिस ढंग से जुड़े हुए, वो श्रीपाल का कुष्ठ रोग यदि गया है तो वो अहमिल के प्रभाव से ही गया है। माने इतनी बड़ी ताकत रखने वाला बाह्य तप, मैं ये कहूँगा आभ्यंतर तप का विरोध नहीं है, मगर बाह्य तप जिसको पसंद ही नहीं है, अंदर में बाह्य तप की जिसको एलर्जी है, तप न कर सके अलग बात है, मगर बाह्य तप करने की जरूरत ही क्या है ऐसा बोलने वाला सचमुच जिन शासन से अपने आप से बाह्य हो गया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, तप पद की पूजा में एक अद्भुत बात लिखी है, तद्भव मुक्ति जाने नहीं माँ, तप आचरना नभी छोड़े। भगवान महावीर को पता था इसी भूमि मेरी मुक्ति है, फिर भी भगवान महावीर ने 12.5 साल के साधना जीवन में करीबन 11.5 से ज़्यादा दिन तक, 11.5 वर्ष से ज़्यादा दिन तक भगवान ने तप किया है, उपवास किया है। माने तप धर्म का विरोध न हो अलग बात है, मगर नहीं करना है, और बाह्य तप में कुछ नहीं है, सब आभ्यंतर तप में, ऐसा बोल के बाह्य तप की उपेक्षा करने वाला अपने आत्मा के लिए एक बहुत बड़ा भावी में जोखिम उठाता है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा, हम तप क्यों करना चाहते हैं? तो
डॉक्टर जब मरीज जाता है उनको रोग मुक्त होना है और साधक को दोष मुक्त होना है। रोग मुक्त होने के लिए साथ दर्दी मरीज डॉक्टर की जो भी पीड़ा दिए डॉक्टर की ओर से वो हर पीड़ा को सहन करने के लिए तैयार है, तो दोष मुक्त होने के लिए भगवान की आज्ञानुसार जो भी तप क्षेत्र में पीड़ा दिए उनके लिए साधक भी चेहरे की प्रसन्नता के साथ वो तैयार है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आज कोरोना का माहौल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों के पास कभी कभी ये होता है कि बचपन के पास समय होता है मगर समझ नहीं होती है, बुढ़ा के पास वृद्ध पुरुष के पास समय होता है समझ होती है मगर शक्ति नहीं होती है, युवा के पास समय भी रहता है समझ भी रहती है शक्ति रहती है। कोरोना ने लॉकडाउन के बीच में जो एक काम कर दिया है शायद ये हमने नहीं पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा कि समझ होने के बाद शक्ति होने के बाद संपत्ति होने के बाद स्वजन होने के बाद समय को कहाँ निकालना वो एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। सब अपने घर में बंद है और क्या करना वो समझ में नहीं आता है। लोगों को लगता है एक दो दिन तीन चार दिन पाँच सात दिन निकाल दे मगर फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क है कब, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अब तो निकल गया मगर कब तक, ये कब तक की बात इसलिए डिस्टर्ब कर रही है कि हमारे पास कुछ अच्छी प्रवृत्ति भी नहीं है अच्छी सोच भी नहीं है। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ आज नौपत क्यों नहीं भले पूर्ण हो मगर भगवान महावीर ने एक तप की बात की है, वो तप की बात आज आपके सामने, इच्छा निरोध वो भी एक तप है। हमारी गलत इच्छा को हम कंट्रोल कर दे वो भी एक तप है। मन में कुछ भी गलत करने का मन हो और रिवर्स में आ जाए उनको हम इम्प्लीमेंट न करें वो भी तप है, वो भी तप है। आपने कभी देखा होगा होता क्या है कि नदी और तालाब आप दोनों को एक बार आंखों के सामने रख दो, हमने नदी जब भी नदी का नाम हमने जब भी लिया तब हमें लगा कि नदी निर्मल होती है, नहीं, गंगा भी गंदी है नर्मदा भी गंदी है तापी भी गंदी है, हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया की हर नदी उसमें गंदगी आती ही है। तो इतनी गंदगी आने के बावजूद भी नदी को ये उपाधि कैसे मिली कि नदी निर्मल होती है, तो इनका एक कारण वो है गंदगी तालाब में भी जाती है गंदगी नदी में भी जाती है मगर तालाब की कमजोरी ये है वो गंदगी जाती लेता भी है और गंदगी को स्टोरेज भी कर देता है। नदी की सबसे बड़ी ताकत वो है गंदगी का स्वीकार तो कर लेती है मगर गंदगी का संग्रह नहीं करती है, वो जाने देता है। एक संत को किसी ने पूछा था कि धर्म का राज आप बता पाएंगे, संत ने बोला बताता हूँ। लड़के ने फिर से पूछा कि महाराज धर्म का राज ही बता दो और संसार का राज भी एक साथ बता दो। दोनों का राज बताने की बात जब आई तो संत ने बड़े मुस्कान के साथ उसको कहा कि दोस्त एक कोटेशन तेरी आंखों के सामने दे पकड़ो मत जाने दो। वो लड़का समझ नहीं पाया, उसने संत ने बोला देख इसी में भी धर्म है और इसी में ही संसार है, एक ही कोटेशन में संसार और धर्म। तो लड़का वो कोटेशन तीन बार पढ़ा, समझ में नहीं आया कि इसमें ही धर्म और इसमें ही संसार कैसे। तब संत ने कहा दोस्त एक काम कर पकड़ो मत वहाँ कोमा लगा दे और फिर आगे पढ़ ले, पकड़ो मत जाने दो ये है धर्म। पकड़ो मत कोमा लगाना है मगर पकड़ो मत के बाद कोमा लगा दे और फिर तू पढ़ तो पता चलेगा पकड़ो मत जाने दो ये है धर्म। और जो भी संसार के क्षेत्र में आदमी आया और पकड़ो के पास उसने कोमा लगा दिया पकड़ो मत जाने दो ये है संसार, तो तब धर्म में इच्छा का नहीं आई है। ये न मालूम कई लोगों के जीवन में मुश्किली है, आर्थिक मुश्किली भी है और मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूँ इतने दिनों से हम ये गलत फहमी में थे कि परिवार के साथ हमारी ट्यूनिंग इसलिए नहीं है कहीं जनरेशन गैप है, बाप और बेटे के बीच में
ये जनरेशन गैप को लेकर के हमने अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को हमने बच छुपाया है। आज पहली बार पता चलता है एक ही परिवार के साथ, परिवार के सब सभ्य के साथ न मालूम कितने दिन से रहने का आया है और आगे भी कितने दिन रहना पड़ेगा। और चिड़चिड़ापन आ गया, कहीं संघर्ष आ गया, कहीं बोलने का आ गया, उनका कारण ये है कि परिवार के साथ हमारा जनरेशन गैप तो था ही, मगर सबसे बड़ी गंभीर बात वो थी हमारा परिवार के साथ कम्युनिकेशन गैप था। न पति ने पत्नी के साथ, न बाप ने बेटे के साथ, न भाई ने भाभी के साथ, न ये अंदर अंदर जो कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए था। मैं बताऊँ, हम भी भाई कला में, मेरे भी शिष्य भी मेरे साथ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कोरोना आया अच्छा हुआ, मगर कोरोना को लेकर के जब हम भी तो बाहर नहीं जा सकते, राष्ट्र की बात है तो बाहर जाने की गलती मैं भी तो नहीं करता हूँ, मगर मैं और मेरे सब साधु बरसों से कम्युनिकेशन के मेरे बीच में नहीं होने के हिसाब से ऐसे माहौल के बीच में भी हम पूरी प्रसन्नता के साथ स्वाध्याय करते, तब भी मुनि भगवान करते और एक दूसरे के साथ बैठ करके जो भी भगवान के शासन की बात हो सकती है वो सब करते। मैं ये कहूँगा कोरोना का माहौल जिसके लेकर के लॉकडाउन करने की नौबत आई है, घर में रहने का प्रसंग आया है, उनको भी आप तप में कन्वर्ट कर सकते हो। कौन सा तप? इच्छा निरोध, जबान पे कंट्रोल, मन को स्वस्थ रखो, वचन में नियंत्रण रखो और काया को जितना हो सके उतना अच्छे में तुम प्रवृत्त करा सको तो आज वो भी तो तब होगा। एक दिन निकालना ही है जब जहाँ मेरी कुछ नहीं चलती है, मैं कितना भी तूफान करूँ, कितना भी गाली दूँ, कुछ भी करूँ, मगर ये मेरे सामने जो कोरोना आया है और जो टाइम पास करने की बात आई है उसमें न मेरा चलेगा, न आपका चलेगा, न किसी का चलेगा। तब मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसे तब तीन चीज को कंट्रोल करते हैं। नंबर एक, मेरे जिन में जो दुष्कार्य है और दुष्कार्य को दूर करता है। नंबर दो, मेरे मन में जो दोष है वो दोष को कम करने का काम भी तब करता है, दुष्कार्य दोष। और नंबर तीन, यदि मेरे मन में कोई दुर्बुद्धि है तो दुर्बुद्धि पर भी अटैक करने का काम करता है। दुर्बुद्धि, दोष और दुष्कार्य यदि जीवन में कम होते चले तो निश्चित मैं कहूँगा आत्मद्रव्य की निर्मलता बनी रहेगी। कई लोगों के मन में कभी प्रश्न भी उठता है कि आत्मा को निर्मल करना है तो शरीर को कष्ट देने की जरूरत क्या है। मे बी पॉसिबल अपनी जगह उनका लॉजिक शायद सही भी होगा, मगर मैं निश्चित तौर से कहूँगा हम गर्म करना चाहते पानी को, मगर वो पानी डालते तपेला में और तपेला को गैस पर रख देते और पानी को गर्म कर देते। वहीं तर्क ये भी तो आ सकता है कि गर्म तो पानी को ही करना है, फिर तपेला को गर्म करने की जरूरत क्या है। इनका जवाब ये है कि तपेला को गर्म किए बिना पानी गर्म होता नहीं है। वही बात यहाँ भी आती है, शरीर को तप से गर्म किए बिना आत्मद्रव्य की निर्मलता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं तीन बात करना चाहूँगा फिर प्रवचन को विराम दूंगा। एक बात है, बरसों पहले मैं धुलिया में गया था, एक बहन एजेंट थी, मुझे मालूम भी नहीं था, पहली बार आई, वंदन किया, वंदन करने के बाद आपने मेरे से पचकान मांगा उपवास का। एजेंट माँ थी, कोई तिथि नहीं थी तो मैंने पूछा माँ आज उपवास क्यों, वर्षी तब चल रहा है क्या? हाँ बोला, वर्षी तब चल रहा है। मैंने बोला पढ़ना कब है? तब जो बताया, मेरी जिंदगी में ऐसा बहन, ऐसी बहन मैंने नहीं देखी, आपने बता दिया हमारा साहब ये मेरा कंटिन्यूस 50वां वर्षी तब चलता है, 50। हैरान हो गया मैं, 50वां वर्षी तब। तब आंख में हर्ष के आंसू आ गए और बहन को पूछा बहन आपकी उम्र कितनी है? बहन ने बता दिया 100 में 4 कम, माने ऑन द एज ऑफ 96 ये बहन ने 50वां वर्षी तब चालू रखा था। आंख में आंसू के साथ जब मैंने उनको वास्केप डाला, आशीर्वाद दिया, तब मैंने पूछा आपकी उम्मीद क्या है? तब आपने बता दिया हमारे से जब तक शरीर में प्राण है तब तक ये मेरा वर्षी तब खंडित न हो ऐसा आशीर्वाद दो। हम खाने वाले
चेहरे पे इतनी मुस्कान नहीं, इतनी स्वस्थता नहीं, और 50वें वर्षी तब में 96 के एज में उनके चेहरे पे मुस्कान स्वस्थता था, और जिंदगी के अंत समय तक मेरा वर्षी तब चले, यही डिमांड करने का भाव कमाल हो गया। आज हजारों की संख्या में जिन शासन में तपस्वी है, जिनको हम नतमस्तक होकर के प्रार्थना कर सकते हैं, एक छोटा सा मुनिवर है, अभी राजकोट में है, नाम है उनका मुनिराज श्री गौतम यश विजय जी। करीबन 3 साल के पहले उसने दीक्षा ली छोटी उम्र में, और दीक्षा लेने के बाद उसी दिन से एम्बिल तप की आराधना उसने शुरू की। हम सोच नहीं सकते 11 और 12 साल की उम्र में एम्बिल तप की शुरुआत दीक्षा के दिन ही, और वो भी संयोजना बिना कांबे। शायद ये प्रवचन सुनने वाले सबको पता न हो संयोजना का अर्थ, तो मैं बताना चाहता हूँ, अकेली रोटी, अकेली दाल, अकेला चावल, अकेली सब्जी। रोटी और सब्जी को जोड़ना नहीं है, चावल और सब्जी को नहीं, चावल और दाल को नहीं। पहले खाना है तो अकेली रोटी खा लो, फिर अकेला चावल, फिर अकेली दाल, फिर अकेला साग। ये 11-12 साल की उम्र में इस मुनिवर ने तब शुरू किया। हैरानी की बात वो थी कि तब शुरू किया, वर्धमान तब का पाया डाला, और पाया डालते 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 कंटिन्यूस 500 अम्बिल की समाप्ति के बाद आपने पढ़ना किया। 11 और 12 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद कंटिन्यूस 500 अम्बिल ये बाल मुनि ने किया। हमारे पास अनुमोदना के लिए कोई शब्द नहीं मिलते, ऐसे हजारों की संख्या में साधु साध्वी श्रावक और श्राविका तब के मार्ग पर आगे चले। आज ये माहौल कोरोना का हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में एम्बिल खाता बंद था, फिर भी जो समाचार आ रहे हैं, हजारों तपस्वियों ने अपने घर में एम्बिल की आराधना की और नौपत की उली संपन्न की। आज श्रीपाल और महिला को हम याद करेंगे, विधि पूर्वक, उपयोग पूर्वक, अहोभाव पूर्वक नौपत की आराधना करते करते कोड रोग तो गया, मगर 90 भूमे श्रीपाल और मीणा मोक्ष में जाने वाले है, ऐसी पवित्र आराधना आज संपन्न हुई। प्रभु से हम प्रार्थना करें, श्रीपाल का कोड गया, हमारा कोरोना भी चला जाए। वो कोड था क राशि पर, ये कोरोना भी क राशि पर है, तो भगवान से हम प्रार्थना करें, जब भी घर में बैठे हो संकल्प करो, 5 मिनट प्रार्थना के लिए निकालो, और 3 प्रार्थना, शिवमस्तु सर्व जगत, सारे जगत का कल्याण हो, मिट्टी में सब भूयसु, सभी के साथ मेरी मैत्री हो, और खामी में सब जीवे, सभी जीवों के साथ मेरी क्षमापना हो, ये हमारी मंगल कामना हो। और भगवान से प्रार्थना करें, ये जो पूरे विश्व पर आपत्ति आई है दुख की, शरीर के रूपी, और दिक्कत तो ये है, मैं आज फिर से कहना चाहूँगा कि हम कोई जल्दबाजी ना करें, नहीं, हमारी जल्दबाजी से माहौल बिगड़ता जा रहा है। लॉकडाउन कब खत्म होगा उसको लेकर के यदि हम बाहर निकल गए तो 2 दिन की मजा पाने के लिए, 2 घंटे की मजा पाने के लिए मे बी पॉसिबल और 20 दिन का लॉकडाउन हो जाए, हम जितने दुखी होंगे और जल्दबाजी में ये बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, मे बी पॉसिबल इतनी बॉर्डर की दिन बढ़ सकता है। माने हम चाहते हैं कि लॉकडाउन जल्दी खत्म हो, तो इनका सीधा अर्थ यही है, हम अपने घर में ही बंद रहे, कहीं किसी अगत्य कारण को छोड़ के न बाहर जाए, तो ही ये लॉकडाउन से मिलती मुक्ति मिलेगी, और हम पाप करना ही नहीं चाहते। मंदिर भी बंद हो गया, गुरुदेव का प्रवचन भी बंद हो गया, हमारी धर्म साधना भी तो बंद हो गई, सबको यदि ठीक ठीक करना है तो आज फिर से मैं कहना चाहता, टाइम जो भी आया है वो टाइम को टैकल करते चलो, मन को स्वस्थ रखो, प्रसन्न रखो, परिवार के साथ सात्विक बात करो, और श्रीपाल और मीणा को हम नमस्कार करके आज नौपत की उली की आराधना का प्रवचन समाप्त करता हूँ।